शिष्याओं द्वारा ये जो आयोजन किया गया, प्रतिवर्ष मेरे जन्मदिन पर आयोजन होता है। उस परंपरा में उसे अशीति उत्सव नाम दिया गया। मैं 80 साल का हुआ, उस साल से शुरू हुआ था और ये प्रतिवर्ष कंटिन्यू करते हैं। तो ये आयोजन उसी उपलक्ष्य में किया गया और बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ ये लोग कर रहे हैं। हमारे प्रति श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं उनने भी अपनी प्रस्तुति की, जैसे अभी ओडिसी नृत्य में मेरी रचना प्रस्तुत की गई। मैं अपने सारे शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि वे नृत्य के क्षेत्र में अपना एक मुकाम बनाएंगे, खूब प्रगति करेंगे और इस नगर का गौरव बढ़ाएंगे। सर, जैसे आपकी बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत पेशेंस भी चाहिए, तो सर क्या टिप्स देंगे आज के युवाओं को कि मतलब इस तरह और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है? देखिए, संगीत में तालीम से ज़्यादा रियाज का महत्व है। गुरु तो एक बार रचना सिखा देगा लेकिन उसमें परफेक्शन रियाज के द्वारा आती है। वो जैसे मंत्र होता है, किसी मंत्र को लाख बार, किसी को 1.25 लाख, किसी को 50,000 बार जपने पर उसमें सिद्धि प्राप्त होती है, वैसे ही नृत्य की जो क्रियाएं हैं वो सब भी अभ्यास मांगती हैं। जितना उसमें अभ्यास करेंगे, जितना उसकी गहराई में जाएंगे, उतना ही उसमें परफेक्शन आएगा। आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि एक मैच्योर कलाकार में और एक जूनियर कलाकार में जो अंतर है वो सब दिखाई पड़ता है। तो जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी, रियाज बढ़ता जाएगा, उनकी कला में निखार आता जाएगा। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आपने जिन कलाकारों का देखा, ये भी विभिन्न घराने से, विभिन्न गुरुओं से सीख के आए हैं और एक स्टेज के बाद जब गुरु नहीं रहते हैं तो उनको जोड़ने के लिए भी शायद ईश्वर ने हमें आगे बढ़ाया है, हमें एक दायित्व दिया है कि ये सारे बड़े कलाकार पोस्ट ग्रेजुएशन और अच्छे उच्च कोटि के कलाकार होने के बाद भी हमारी यूनिवर्सिटी में और हमारे रिसर्च एडवांस कोर्स कथक, जो कि श्री श्री यूनिवर्सिटी के कटक के अंतर्गत आता है, वहाँ सब फिर से एकत्रित हुए हैं और ये वहाँ के रिसर्च स्कॉलर हैं। तो एक तरह से ईश्वर ने हमको निमित्त बनाया है कि अभी हम सीनियर मोस्ट हैं इस फील्ड में। तो ये गुरु हमारी आदरणीय दीदी जो है अभी जोगलेकर जी, वो नहीं रही, पद्मभूषण बृजू महाराज जी नहीं रहे और उनके ये जो सीनियर मोस्ट कलाकार हैं वो रिसर्चर होके हमारे साथ फिर जुड़े हैं और ये एक नया परिवार वापस से जुड़ा है। इसके लिए मैं इन सबको जो है साधुवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, इनके उज्जवल चरित्र, उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। नेहा मैम, आज सर मैम इतने ओकेजन से आए हैं, बहुत बड़ी बात है, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं और कैसी परफॉर्मेंस?
सबसे पहले तो बॉम्बे में ये सब लोगों का बहुत ज़्यादा सौभाग्य है कि गुरु माँ को जो कल डीलिट की महा थैंक यू महाउपाध्याय की पदवी जो कल मिल रही है कांधल महाविद्यालय जी जो दे रहे हैं वो यहाँ पे सब लोग देख पाएंगे अपनी आंखों से देख पाएंगे ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है शहर के लिए और मुझे कैसा लग रहा है मतलब ये तो मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि मैं गुरु जी के साथ जुड़ पा रही हूँ। मैं अभी एक प्रोडक्शन भी अपना ला रही हूँ जिसका नाम है बंसी लीला और गुरु जी ने उसकी स्क्रिप्ट की है तो आज यही मीडिया के सामने मैं बोलना चाहती हूँ कि गुरु जी ने इतनी सुंदर उसकी स्क्रिप्ट की है और गुरु जी उसकी कोरियोग्राफी भी कर रहे हैं और म्यूज़िक में भी वो सब वही गाइडेंस कर रहे हैं तो बहुत अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब म्यूज़िक तैयार हो और कब हम इस प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी ला पाएँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो परफॉर्मेंसेस आपने पूछा कैसे एक से बढ़ गए बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस क्या बोलूँ मैं सभी बहुत टैलेंटेड हैं बहुत अच्छे थैंक यू पारुल। सो आज ये हमारे गुरुजी डॉक्टर पुरुदाती जी उनके ऑनर में पुरु अर्पण हम लोगों ने मैंने नहीं डॉक्टर सुनील सुनकारा और पीयूष राज इन लोगों ने ये आयोजित किया है और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम अपना जो हमारे जो भाव है हमारे गुरु के प्रति हम उसे कैसे अपने डांस के थ्रू डांस को मीडियम बना के उसे सामने रख सकते हैं और हर कोई स्टूडेंट जो आज गुरु शिष्य परंपरा से उनके साथ जुड़ा हुआ है अपनी श्रद्धांजलि सॉरी अपनी एक जो अपना डांस के थ्रू अपना एक भाव उनके प्रति व्यक्त करने की कोशिश करेगा। सो बहुत अच्छा लग रहा है आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट्स बीन अ लॉन्ग गैप टू बी परफॉर्मिंग इन मुंबई सो फील्स वेरी वेरी हैप्पी एंड फील्स लाइक होम। सो डांसिंग वाटर्स is like we started it in 2019 and we never knew that it will become so big. Now it is going to Singapore and Malaysia, it's traveling around the world. It has a message to conserve water and it's a beautiful combination of Kathak and drums. So a confluence of Kathak and drums. It's doing very, very good. I'm very happy and looking forward to be performing it again in Singapore and Malaysia. So आज मैं एक महाराज जी पंडित बिरजू महाराज जी जो कि मेरे गुरु जी हैं उनको उनके he has composed this piece called as Nirtat Shankar Parvati Sang. So it's a very small invocation piece and it's a small performance today because everybody is going to just present a little bit today. So aaj ye bas main Nirtak Shankar Parvati Sang Maharaj ji ki composition ke saath aaj apna ek offering dungi. So it needs a very strong will power and you need to be really focused. Chahe kuch bhi ho jaye, bas that's my love and my passion towards my dance and towards my gurus. So I think this is something divine. Some divine force helps me, and I just keep myself focused with Katha. Flamenco. Flamenco is very, very close to Kathak and tap dancing is also because
इन सब में फ्लेमिंगो के लाइनिंग्स आर वेरी वेरी सिमिलर टू कथक प्लस टैप डांसिंग हैज़ एब्सोल्युटली सिमिलर फुटवर्क बस इतना फ़र्क है कि हम घुंघरू पहनते हैं और वो लोग शूज़ के साथ डांस करते हैं सो इट्स वेरी क्लोज टू कथक सो या सो कथक इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल डांस फॉर्म विच इज़ अबाउट स्टोरी टेलिंग जिसमें हम हमारे माइथोलॉजी से हमारी हिस्ट्री से हमारे ग्रंथों से पुरानों से हम स्टोरीज सुनाते हैं कहते हैं डांस के मीडियम से कहते हैं सो आजकल के दिन में जब हम इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हमारी आने वाली जनरेशन तक हमारे कल्चर के बारे में बता सकें सो व्हाट्स बेटर देन स्टोरी टेलिंग एंड कथक इज अ आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग कथा कहे सो कथक कहता है सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मीडियम थ्रू विच वी कैन टेल स्टोरीज टू आवर यंगर जनरेशन अबाउट आवर कल्चर अबाउट आवर हिस्ट्री सो येस मोर एंड मोर पीपल शुड लर्न दिस आर्ट फॉर्म एंड शुड टेक दिस लेगेसी फॉरवर्ड पहले मेरा नमस्कार मैं तबला वादक कालीनाथ मिश्रा हूँ पिछले करीब 48 साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में और बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं मुझे कला का संगीत मुझे विरासत मिला उत्तर प्रदेश आजमगढ़ हरिहरपुर का रहने वाला हूँ मेरे गुरु पंडित शंभुनाथ मिश्रा और तबला सम्राट पंडित किशन महाराज बड़ा अच्छा शुभ अवसर है गुरु अर्पण कहते हैं कि माता पिता और गुरु इससे बड़ा कोई जग में है ही नहीं और अगर माता पिता गुरु का आशीर्वाद मिल गया तो आपको पूजा पाठ करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह सबसे बलवान शक्तिशाली है। दूसरी बात मैं एक जरूरी शब्द कहना चाहूँगा कि कथक नृत्य मैं 45 साल से बजा रहा हूँ भारत के जितने कथक जितने गुरु टॉप से लेके और मध्य से लेके यहाँ तक हैं बड़ी कृपा रही हमारी कि हम सभी के साथ संगत के नाम लेने जाऊँगा तो बहुत लंबा लिस्ट है बट इतना कहूँगा कि भारत में जितने कथक डांस हैं दूसरी बात मेरी वादन शैली को मैंने अपने आप को ऐसा रखा कि जिसके साथ बैठाइए वैसे ही तबला बोलना चाहिए तो मेरे गुरु किशन महाराज जी कहते थे बेटा एक पट का तबलिया मत बनना चारों पट का तबलिया बनना गायन वादन नृत्य या सोलो तो मेरा सोलो वादन भी है बेटे के साथ सोलो वादन करता हूँ और मेरे बहुत से सारे थीम हैं तबला तांडव तबला गुफ्तगु आज का जो अर्पण है ये गुरु के लिए है और मुझे खुशी इस बात की है कि जिनकी जिनको ये लोग इतना महत्व देते हैं डॉक्टर पुरु दधीच तो मुझे मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि 89 में मैं जब इंदौर गया तो वहाँ एक संगीत की सभा थी वहाँ पे सितारा देवी थी नंदिता पुरी थी उमा डोगरा थी शोभना नारायण जी थी उसमें मुझे मौका मिला पुरु दधीच तो मैं उसी समय से भैया बुलाता हूँ भाभी को भाभी बुलाता हूँ फिर 1991 में बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ कथक का NCPA में मुंबई में वहाँ पे दिग्गज कलाकार थे सब कथक के थे और हमारे उड़ीसी डांस के महागुरु केलू बाबू भी थे वहाँ पे तो मुझे बड़ा भाग्यशाली रहा कि सभी के साथ मैंने वादन किया तो मैं अपने तबले को और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि जो सबसे टॉप में रहे चाहे महाराज जी हों चाहे सितारा देवी हों दमयंती जोशी हों या पुरु दधीच भैया हों सभी के साथ मेरा तबला अच्छा बोला और चाहूँगा कि संगीत हमारा धरोहर है क्लासिकल जो म्यूज़िक हिंदुस्तानी क्लासिकल चाहे गायन हो चाहे वादन हो चाहे नृत्य हो ये सबसे बड़ा धरोहर है भारत का विद्वानों का दिया हुआ है तो इसे हमें बचा के रखना है आगे आने वाले जनरेशन से यही निवेदन करूँगा कि प्रैक्टिस मत करो रियाज करो साधना करो तपस्या करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पुत्र की तरह सुनील सोमकारा नृत्य की शैली में उनका बड़ा योगदान है और बिरजू महाराज जी का उन्होंने भरपूर सरस्वती दीदी का भरपूर आशीर्वाद दिया है पूरा थाली भर के और मैं प्रणाम करता हूँ जिनको मैं पिछले कई महीनों से सालों से देख रहा हूँ जिन्होंने मुझे कला सारथी का अवार्ड दिया श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग उनका भी योगदान हमारे सुनील सोनकारा पे है तो बस ये नाच है आप जो बातें करते हैं ज़रूरी कि नृत्य हम सीखें जरूरी कि मंच पे जाएं लेकिन संगीत की साधना करिए कम से कम तान से नहीं तो कान से बन जाइए तो यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग सब बचा के रखिए। दूसरी बात आज के ज़माने में मीडिया सबसे बड़ा चीज़ है ये अगर हमें 10 जगह दिखा देंगे तो शायद मैं हो सकता है कि मैं गली कूचे से निकल के बाहर आ जाऊँगा
वरना मैडम ऐसे है कि एक से कलाकार पड़े हैं बट कोई उन तक पहुंच नहीं पाता है, तो थोड़ा सा आत्मा को कष्ट होता है, क्योंकि हम सिर्फ बड़े झाड़ को देखते हैं कि ये आम का फल बहुत बड़ा है, वृक्ष यही दे नहीं, छोटे को भी थोड़ा देख के रखिए। तो आप लोगों को पहले मैं प्रणाम करता हूँ और मैं बड़ा प्यार करता हूँ आप लोगों को, धन्यवाद, नमस्कार। रन बाय स्मृति तलपड़ी जी, शी इज़ अ डिसाइपल ऑफ मुंबईज मोस्ट एमिनेंट कथक एक्सपोनेंट लेट आशा जोगलेकर जी, and Natt Ravi is a cultural philanthropy organization run by me. I am Sunil Sunkara and it is named after my spiritual guru Shri Shri Ravi Shankar ji. Natt Ravi meaning the dancing sun, just like we have Nataraj who is Shiva and Natwar who is Krishna. Today's evening is an intimate dedication to Mahamahopadhyay Dr. Puru Dadich and his wife Mahamahopadhyay Dr. Vibha Dadich. This couple has a very unique history. Dr. Dadich comes from a Pehelwan family, not from a dancer family. His family has an ancestry of Pehelwans and Pujaris. That is his history. And Dr. Vibha Dadich comes from a family of freedom fighters. Her mother and father were a part of the entire freedom movement along with Gandhiji, and they have been actively involved in Chhattisgarh in bringing revolutionaries together, in carrying out many secret missions. So such is this very interesting couple who found their way together through the world of Kathak. And in the world of Kathak is where they met, they came together, and not only that, they went on to become India's first Kathak couple who actively started promoting Shastric work, the treatises, the work in the Shastras, bringing to forth the temple tradition of Kathak, reviving it, and making sure that the lost aspect or the lost pages of Kathak are brought forward. Today we are all here, Smriti Talpade ji, myself, along with our dear friends Neha Banerjee ji from Chennai, Dr. Piyush Raj from Mumbai, Harshita Dadich from Indore, Damayanti Bhatia from Indore, along with Sheetal Talpade ji, who is presenting a very unique production on the unknown female warriors of India. So as you can see, it's a very unique evening dedicated to Kathak, dedicated to Sahitya, and dedicated to that which makes people feel passionate. So it's an evening where what we have learned from the Guru, we are offering back to the Guru. Tera Tujhko Arpan. I request Smriti ji to please share a little bit. No, I'm very happy. Nritya Smriti is very happy to collaborate with Natt Ravi. And we are fortunate enough to have Guruji and Guruma in our first ever presentation together. So with his blessings, and I'm sure he has blessed all my disciples also, and with his blessings we will grow together, and we want to grow together, and we have brought this unique presentation. Everything has come down together on its own, I would say, one piece by piece. We had not decided what exactly we are going to do, but you can see this beautiful collaboration, and I hope and I wish that this collaboration yes, really grows bigger, and we can bring in many more dancers, youth dancers, I would say, the youth on the stage and in front of the camera. Thank you. You know, when it comes to Indian art, Abhinava Gupta, a very famous philosopher from Kashmir, said in the 11th century that mankind actually is not in search of moksha. When we have moksha, samadhi, or final death, how can we search for something? But what we yearn for is that aesthetic relish of moksha, that freedom, that feeling of being liberated, but coming back to the real world. Jo hum kehte hai, kuch ek shan ke liye azadi, that release, that rasa experience. And Dr. Puru Dadich and Dr. Vibha Dadich have made it their life's vision to bring this experience to their students. And we are very, very thankful that they are here today, and the Mumbai audience and the elite of Mumbai are celebrating with us here today. In the ancient days, this is how Kathak would happen. Every person in the audience, as they would say, would be part of a Gunijan. Gunijan meaning one who is intellectually and from their heart connected with that art. And today's audience is like that. It's a niche audience of Kathak intellectuals, those who love this art, coming together to celebrate each other. Thank yes, you. Thank you. Tell us about today's evening. This is a very special evening for all of us, because all three of us are being
are the Gandaband Shagird of Guru Purudadich Ji. And the meaning of this is, a Gandaband Shagird is that we are the Uttar Adhikari. He's thought that we can do something and we can take his work forward. So it's a huge responsibility on of us to take this forward. And we are truly blessed that he's chosen us for this particular responsibility. Namaste, I'm Mitali Varadkar. I'm Shreya Sabharwal. We are disciples of Guru Shrimati Shubhada Varadkar. So last time Ashwini and some Mumbai mein jab tha, that time I called Tosh and I said ki, we want to perform something jo Guruji ne itne sare poetry likhe, itna sare unke surat compositions hai. We want to do one piece in Odissi dance form. Baki those, all the students are, you know, usually performing in Kathak art form. So then Guruji was very happy. And he said कि आप त्रिपुरेश्वरी में कीजिए, ये ओडिसी डांस को हमें बहुत अच्छा लगेगा. सो वी आर सो थैंकफुल टू गुरु दजीत जी कि उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि उन्होंने बनाया हुआ इतना खूबसूरत साहित्य को हम ओडिसी डांस फॉर्म में प्रेजेंट कर पाए. आज हमने त्रिपुरेश्वरी वंदना प्रेजेंट किया है जो गुरु जी ने खुद लिखा है और इतना खूबसूरत उसका कॉम्पोजिशन है. वी आर रियली थ्रिल्ड टू परफॉर्म दैट. उसमें जो ओडिसी का जो लिरिकल ब्यूटी है वो इस गाने से एकदम बहुत बढ़िया बाहर आया है, ऐसे मुझे लगा. वी आर रियली हैप्पी दैट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म टुडे. हमारे गुरु शुभदा वराडकर जी जिनसे हम ओडिसी सीखते हैं, उन्होंने गुरुजी का एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दिया था. तब हम वहाँ प्रेजेंट थे. हम इतना इतना नॉलेज मिला हमें गुरुजी से. तो हमने डिसाइड किया कि हम कुछ गुरुजी को ऑफरिंग में दें उनके लिए. सो दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड दैट वी विल परफॉर्म ऑन हिज कॉम्पोजिशन कोरियोग्राफ बाय आर गुरु. सो इट इज़ अ प्रॉपर फ्यूजन. हम लोग फ्यूजन की बात करते हैं, फ्यूजन बिटवीन टू ब्यूटिफुल क्लासिकल डांस फॉर्म्स, कथक एंड ओडिसी, कथक म्यूजिक, ओडिसी डांस स्टाइल. अबाउट टुडेज परफॉर्मेंस एंड व्हाट यू आर परफॉर्मिंग. नमस्ते, मैं हर्षिता शर्मा दादी हूँ. आई एम गुरुजीज डॉटर इन लॉ. टुडे आई विल बी परफॉर्मिंग रामायण का प्रसंग, अगर आप लोगों को पता हो पंचवाटी का प्रसंग है जिसमें सीता जी गौरी की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं. वो एक छोटा सा प्रसंग गुरुजी ने जो कोरियोग्राफ किया है उसको मैं आज प्रेजेंट करने वाली हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि उन्होंने मुझे अपना डिसाइपल और घर का सदस्य चूज़ किया. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मैं दमयंती भाटिया भरद्वाज इंदौर से. आज मैं जो प्रस्तुति करने जा रही हूँ वो कंपोजिशन और कोरियोग्राफी दोनों ही गुरुजी की है, डॉक्टर गुरुदादी जी की. और मेरे साथ में जो परफॉर्म करने वाले हैं वो मेरे ही डिसाइपल्स हैं, अंबिका मालवीय एंड ऋषिका राणा. थैंक यू. आज यहाँ नृत्य स्मृति और नाटक रवि, ये दो संस्थाओं द्वारा बहुत ही अच्छा शास्त्रीय नृत्य का कार्यक्रम हो रहा है. कथक के महान गुरु गुरु श्री गुरुदाधी जी और विभाजी के स्वागत में ये हो रहा है. विभाजी को कल महामहोपाध्याय की पदवी मिल रही है, उसके आनंद में ये कार्यक्रम हो रहा है. और मुझे बहुत खुशी है कि स्मृति तलपदे जी और सुनील संकारा जी अपने गुरु के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं. इस कार्यक्रम में गुरु गुरुदाधीश इन्होंने रची हुई एक रचना त्रिपुरेश्वरी की आरती मेरी शिष्याएं, जो कि ओडिसी नृत्य करती है मिताली वराडकर और श्रेया सभरवाल, इन दोनों ने प्रस्तुत की और उन्हें ये मौका आयोजक ने दे दिया है, इसलिए मैं उनके बहुत ही आभारी हूँ. मैम, जैसे कि देख सकते हैं कि आज इतने साल हो गए कथक को, फिर भी आज नई जनरेशन उस पर काम कर रही है और परफॉर्म कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारी कथक नृत्य और सभी शास्त्रीय नृत्य कलाएं हमारी संस्कृति की एक धरोहर है, बहुत ही संपन्न धरोहर है, और इसका जतन करना, इसका संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है. और मुझे बहुत खुशी है कि आजकल के ये जो यंग जनरेशन है वे भी
इन नृत्य कलाओं में आनंद लेती है और इसे प्रस्तुत करती है। आज शाम के जितने भी कार्यक्रम रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है सबकी, और सुनील सुंकारा नटरवी के जो डायरेक्टर हैं और स्मृति जी, दोनों ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है आज, और इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और सुनील को शुरुआत से लेके अब तक मैं देखती आ रही हूँ और आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये देख के बहुत प्रसन्नता होती है और आज अच्छा लग रहा है यहाँ पे इस प्रोग्राम में आके। और जैसे हम देख सकते हैं काफ़ी टाइम हो चुका था, तो फिर भी आज न्यू जनरेशन ऐसा अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, और क्या कहना चाहिए। नमस्कार, मैं टीना भाटिया और सर बोलोराम दास। बेसिकली हम दोनों एक्टर हैं और मेरा बैकग्राउंड रहा है डांस का, कथक नृत्य का, और ये मेरी छोटी सिस्टर हैं जो कि अभी डॉक्टर पुरुदादित सर की गंडावन शिष्या है। सो जैसा कि आपने पूछा आज की जनरेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे, सी जब हम लोग डांस कर रहे थे तब बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए टफ थी, बट आज के दौर में जिस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, स्कूलों तक डांस पहुंच चुका है, सबके सिलेबस के अंदर है, सो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि हम लोग इस विधा से जुड़े हैं, हम रंगमंच से जुड़े हुए हैं और हम नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो मैं खुश हूँ और हमेशा आशा करूँगी कि इसी तरह से आगे बढ़ती रहें चीज़ें। मैम, जैसे कि हमने देखा कि आप तो जब ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं तो कितना मतलब एक्साइटमेंट हो जाता है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे। एक्चुअली जब भी पता चलता है कि हमें कहीं परफॉर्म करना है तो एक्साइटमेंट की बात तो छोड़िए, एक पहले से एक टेंशन स्टार्ट होता है कि कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस का क्या रहेगा, सारी चीज़ हम लोग देखते हैं, बट जब गुरुओं का आशीर्वाद हम पर होता है तो वो जो टेंशन रहता है वो फिर एक्साइटमेंट में बदल जाता है। जब आपकी ऑडियंस आपके सामने आती है, आपका मंच आपको दिखता है, और जब आप खड़े होते हैं तो आप सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं और आप जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो डायरेक्ट आप भगवान को ही कनेक्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं अभिनय से जुड़ा हुआ हूँ, तो अभिनय भी नृत्य में भी अभिनय होता है, तो हम जब स्टूडेंट थे अभिनय जब सीख रहे थे एनएसडी में, तब भी काफ़ी ऐसे नृत्य देखने का मौका मिलता था, स्पेशली कथक, क्योंकि कथक केंद्र भी वही था दिल्ली में, अभी भी है, मतलब हमारा कैंपस और कथक केंद्र का एक साथ ही। तो आज ये मौका मिल रहा है बिकॉज माई सिस्टर इन लॉ इज़ परफॉर्मिंग हियर एंड हिज गुरु जी जिन हर गुरु जी इज़ देयर, और मुझे इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन आज जब मैं ये नृत्य देख रहा हूँ तो मुझे दो चीज़ों ने बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि दो डिसाइपल्स ऐसे थे जो एक कैंसर सर्वाइवर है जो उसके बावजूद वो डांस करके आगे बढ़ रही है, और दूसरी जो UPSC क्लियर करके टैक्स ऑफिसर है। ये काफ़ी इंस्पायरिंग है कि उन्होंने कहाँ से ये वक्त निकाला, इतना डिसिप्लिन वे से एक विधा को सीखना, उसको उतने उत्कृष्ट ढंग से प्रेजेंट करना, ये हम अभिनेताओं के पास उतना पेशेंस नहीं है। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, हम खाली रिजल्ट पे दौड़ते हैं कि हम कितना ग्लैमर को पकड़ लें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं। साधना है ये, दिस इज कनेक्शन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो आई एम वेरी प्राउड कि आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई सिस्टर इन लॉ एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। And this is the first time that he's going to watch my performance. So I'm really glad that I'm part of this. Yeah, thank you so much. Thank you so much. पद्मश्री पुरुदादी जी के गुरु जी के यहाँ होने पे ये जो परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है कि ये जनरेशन इस कला को कितनी तरह से आगे लेके जा रही है। इनफैक्ट मैं और अरिंदम भी
हम इस जनरेशन के होके इसमें अपना एक योगदान दे रहे हैं एज कंपोजर्स, एज म्यूजिशियंस, एज सिंगर्स। तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इनके गुरुजी के वन ऑफ द पीसेस में हम लोगों ने भी म्यूजिक दिया है, गाया है और उस पे उनके शिष्य परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग भी है और ये भी लगता है कि हम इस कला में अपना भी योगदान दे पा रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये काफी सालों से चलता है और आई न्यू जो जनरेशन है वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, उस पर और बेहतर करने का ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? मुझे लगता है हार्डवर्क हमेशा टैलेंट को बीट कर सकता है, बट ये जो हमारा शास्त्रीय कला है ना, ये इस साधना का रास्ता है और आई थिंक न्यू जनरेशन इसको समझ रहे हैं कि ये एक अपने आप की अंदर की कला को शांति देने के लिए ये एक साधना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि न्यू जनरेशन और भी इंस्पायर्ड होंगे और हमारी ये कला आगे रहेगा। गुरु जी जैसे एक विजन रखे है सारे कला में एक साथ जुड़ के बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और हमसे भी वही डिस्कस कर रहे थे और हमें एडवाइस कर रहे थे कि ताकि हम भी जो नई लाइक न्यू प्रोजेक्ट जो हम प्लान कर रहे हैं उसमें काफ़ी न्यू जनरेशन की इंस्पिरेशन को रखें और हम और भी जो लोग इस कला से दूर जा रहे हैं या जिनको लगता है कि ये काफ़ी कठिन है और आजकल की सभ्यता से काफ़ी दूर है वो इंस्पायर्ड। तो आशा करता हूँ कि काफ़ी आगे चलेंगे और सब कुछ अच्छा होगा।